आज हम जो कथा आपको सुना रहे हैं वह शांतनु पुत्र भीष्म की है। यह गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बालक का नाम देवव्रत रखा गया। दासराज के द्वारा पालित सत्यवती पर मोहित हुए राजा शांतनु को दुखी देखकर भीम ने अपने मंत्रियों से पिता के दुख का कारण जान लिया। पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के पिता दासराज के पास जाकर उन्होंने इच्छा अनुसार राज सिंहासन पर न बैठने की प्रतिज्ञा की और आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के पालन की भी प्रतिज्ञा ली। सत्यवती के पिता ने अपनी बेटी का विवाह शांतनु ऋषि के साथ कर दिया। देवताओं ने देवव्रत पर पुष्प भ्रष्ट करते हुए उनका नाम भीष्म रखा। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया, तू जब तक जीना चाहेगा तब तक जीवित रहेगा, तेरी इच्छा मृत्यु होगी। वीरमूर्त क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम जी से उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी। भीष्म जी ने दुर्योधन की अनीत देखकर उसे कई बार समझाया पर वह नहीं समझा और जब युद्ध का समय आया तब पांडवों की ओर मन होने पर भी भीष्म ने अपने बुरे समय को याद करके आश्रयदाता की सहायता करना धर्म समझकर कौरवों के सेनापति बनकर पांडवों से युद्ध किया। इतना होने पर भी भीष्म जी पांडवों के पक्ष में सत्य देखकर उनका मंगल चाहते थे और यह मानते थे कि अंत में जीत पांडवों की ही होगी। भीष्म जी ज्ञानी दृढ़ प्रतिज्ञ जितेंद्रीय और अभीष्ट योद्धा थे। भगवान के वे अनन्य भक्त थे। महाभारत युद्ध में शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण अर्जुन के बाणों से बंधकर भीष्म सरसैया पर गिर पड़े और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए अंत तक सरसैया पर पड़े रहे। युद्ध समाप्त हुआ, धर्मराज का अभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो देखा कि भगवान ध्यान मग्न हैं। यह देखकर आश्चर्यचकित धर्मराज बोले, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि सरसैया पर बैठे भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मैं भी भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। फिर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर वेद और धर्म स्वरूप के सर्वोपरि ज्ञाता गुरुकुल सूर्य पितामह के अस्त होते ही जगत का ज्ञान सूर्य भी निस्तेज हो जाएगा। ऐतिह वहां चलकर कुछ उपदेश ग्रहण करना हो तो कर लो। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि वहां पहले से ही उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गईं। उनका अंतःकरण सावधान और बुद्धि सर्वदा जागृत हो गई। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह से उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।